नए हाइज बनते हुए देख रहे हैं, आज की वीकनेस का कोई असर नहीं आ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज जबरदस्त छलांग इस काउंटर ने आपके लिए लगाते हुए देखिए, बहुत ही बड़ी मूव आपको आती हुई दिख रही है स्क्रीन पर। देखिए डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 10% का उछाल आपको इस काउंटर पर आते हुए दिखा है। ऐसा क्या कुछ खास हो गया गोदरेज प्रॉपर्टीज में जो आज इतनी बड़ी छलांग लगाई है, एक बार कुशल से समझते हैं। कुशल, ये आज कहाँ से फोकस में आ गया? देखिए दीपा, यहाँ पर ये इसको फोकस में आने की वजह इसकी जो मजबूत गाइडेंस है FY25 के लिए वो बनती हुई दिख रही है। बहुत ही बढ़िया और मजबूत गाइडेंस ये देते हुए दिख रहे हैं। बट ऑफकोर्स आपको FY24 में इनका किस तरह का प्रदर्शन रहा उस पर भी ध्यान देना है। चौथी तिमाही में मजबूत कैश फ्लो का प्रदर्शन रहा था और साथ ही आप देखिए तो यहाँ पर लगातार 7वें साल रिकॉर्ड बिक्री कंपनी ने दर्ज की है। यही नहीं, FY24 में यहाँ पर जो बुकिंग वैल्यू है वो 84% बढ़ती हुई दिखी है। साथ ही आप देखिए तो इसमें आप स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो 22 तिमाहियों के बाद नेट डेट जो है उसमें कमी भी आती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट मुंबई में बिक्री की बढ़िया आंकड़ों की आने की वजह से भी एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है और साथ साथ कंपनी का कैश कलेक्शन और जो बुकिंग वैल्यू है वहां पर भी आगे चलकर बढ़िया गाइडेंस की एक्सपेक्टेशन बनती हुई नजर आ रही है। ब्रोकरेज हाउसेज भी काफी बड़े रूप में बुलिश हो रहे हैं। यहां पर HSBC ने डबल अपग्रेड कर दिया है काउंटर को, होल्ड से बढ़ाकर अब सीधा खरीदारी की राय देते और लक्ष्य भी 2040 से बढ़ाकर 3070 रुपए के सीधा इन्होंने कर दिया है। ये नहीं केवल ये एक ब्रोकरेज हाउस नहीं है, JP Morgan भी आप देखिए तो यहां पर भी अपग्रेड किया है, न्यूट्रल से ओवररेट की रेटिंग दे दिया और टारगेट्स भी 2250 रुपए से बढ़ाकर सीधा 3100 रुपए के कर रहे हैं। तो दो बड़े दिग्गज ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज है यहां पर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, जिस कारण से मुझे लग रहा है इनफैक्ट कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में ओवरऑल जिस तरह की तेजी आती हुई दिख रही है वो इनके जो बिजनेस परफॉर्मेंस है और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का ये बड़ा सपोर्ट है। तो ये है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज जहां पर आपको जबरदस्त नया एक्शन आते हुए दिख रहा है। सदा जी, एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आपसे भी राय लूंगा, 10% की मूव सर आज के ट्रेडिंग सेशन में। देखिए बहुत जबरदस्त मूव है और गोदरेज प्रॉपर्टीज का एग्जीक्यूशन काफी अच्छा है। आने वाले समय में जिस हिसाब से इनके प्री सेल्स हो रहे हैं ये और भी जबरदस्त हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से एक्चुअल डिमांड है ऑन द ग्राउंड, जो कांदिवली का प्रोजेक्ट है फुल्ली सोल्ड, तो इस तरीके से मैं मानता हूं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। बट इसके पैरेलल साथ में इसका जो पीयर है DLF, इन्होंने भी एक प्रोजेक्ट की कल ओपनिंग की थी लास्ट वीक, तो इसकी भी बहुत जोरदार डिमांड दिख रही है, बहुत वेल रिसीव्ड है ऑन द ग्राउंड गुड़गांव के जो प्रोजेक्ट है। तो मैं मानता हूं कि ये दोनों ही कंपनियों में जो एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी है ये काफी स्ट्रांग है और ज्यादातर मैं मानता हूं DLF में एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी ज्यादा बेहतर है। तो अभी भी अगर रियल एस्टेट पैक में फ्रेश खरीदारी करने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि बहुत चल चुके हैं, पर अगर आपने ले रखा है तो दोनों कंपनियों पर आप वेट एंड वॉच और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी अभी नहीं। फ्रेश खरीदारी अभी नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं एक बड़ी मूव आपके लिए आती है।